अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ और इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पार्ट 1 है 230, 130, 150, 100, 170, 170। तो इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले नंबर लाइन को ड्रा करेंगे, फिर उस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। 0 से 15 सेंटीमीटर तक, ठीक है। 1, 2, 3, ये हमने नंबर लाइन ड्रा कर ली। तो ये देखें, ये क्या है, 0, ये 100, ये 200। तो ये 100 और 200 के दरमियान ये नंबर्स हैं। तो बाकी वैसे ही लिख लेते हैं, 400, 500, 600, 700, आगे या पे खुद लिख सकते हैं। और ये 0 और 100 के दरमियान हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये ऐसे आपने इसको डिवाइड कर देना है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो सबसे पहले 230, तो ये 200 आ गया। तो ये जो 1 पार्ट है वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, तो ये आ गया 230। तो ये 3 पार्ट जो है वो क्या है, 230। तो इसको हम लिखेंगे 230। यहाँ पे लिख लेते हैं 230। इसके बाद 130 के बाद 1, 2, 3, ये जो तीसरी लाइन है ये है 130, ठीक है। एक लाइन किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 130, 150, 100 के बाद हमने 5 पार्ट्स गिने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाली लाइन, ठीक है। इसको नीचे कर लें यहाँ पे, तो ये है 150। इसके बाद 100, तो ये जो लाइन है 100 के ऊपर, ये 100 आ गए, ठीक है। इसके बाद 170, तो ये 7 लाइंस हमने गिननी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो लाइन है ये 170 है। इसके बाद 120, 100 के बाद 2 लाइनें, तो ये आ जाएगी दूसरी लाइन, ठीक है, 120 आ गई। तो ये हमने नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2, 70, 80, 95, 35, 40, 45, 60,
तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पार्ट नंबर टू, 70, 80, 95, 35, 40, 45, 60 नंबर लाइन को ड्रा करते हैं। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हमने नंबर लाइन ड्रा कर ली। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से, ज़ीरो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 130। ठीक है, तो ये 10, 10, 10 का वक्फ़ा आ रहा है। ठीक है, इसको मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। ठीक है, इसको मज़ीद टू पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, ये मज़ीद हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 70 किधर है? 70 यहाँ पे है। ठीक है, 70 को रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो है 70। इसके बाद 80, तो ये 80 आ गया इधर। एटी के बाद 95, ये 90, ये 100, तो ये दरमियान वाला 95 आएगा। इसके बाद 35, 30 और 40 के दरमियान 35, तो ये 35 आ गया। 40 ये आ गया। फोर्टी और फिफ्टी के दरमियान 45, तो ये 45 दरमियान वाला। ठीक है, इसके बाद 60, तो ये 60 आ गया। तो ये हमने सब नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये पार्ट टू कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट नंबर थ्री सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर थ्री है 1600, 1000, 1700, 1500, 900, 2000। तो ये जो नंबर्स हैं इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पार्ट थ्री, 1600, 1000, 1700, 1500, 900, 2000। तो ये जो नंबर्स हैं इनको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो अब नंबर लाइन को ड्रा करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन।
तो पहले नंबर्स को लिखेंगे। तो ये पहला नंबर कौन सा होगा? तो ये सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 900। तो 900 से स्टार्ट कर लेंगे, 900। इसके बाद 1000, 1100, 1200, 1300, ऐसे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा नंबर है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है? 1600। तो 1600 कौन सा है? ये वाला। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो है। इसके बाद 1000, ये आ गया। इसके बाद 1700, ये। इसके बाद 1500, इसके बाद 900, ये आ गया। इसके बाद 2000, ये आ गया। तो ये हमने सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4, -50, 60, -25, -70, -10, -35, 45। तो इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 4, तो नंबर लाइन ड्रा करते हैं अब। सबसे पहले इधर -70 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -70। तो बड़ा नंबर भी हो तो उसके साथ माइनस लगा हो तो वो क्या होता है? छोटा नंबर होता है। तो ये -70, -60, -50, 40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। सबसे पहले क्या है? -50। तो -50 को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये है -50, ठीक है, -50। इसके बाद है 60, ये पॉजिटिव 60 है। तो ये पॉजिटिव 60 को हम रिप्रेजेंट करेंगे।
इसके बाद है -25। तो ये -20 और -30 के दरमियान वाला -25 होगा ना, तो ये होगा -25। ठीक है, तो ये है -25। इसके बाद -70, तो ये है -70। इसके बाद है -10, यानी कि -10, ये आ गया -10। इसके बाद आ गया -35। 30 और 40 के दरमियान जो है वो है 35, तो ये है 35, दरमियान वाला नंबर -35। इसके बाद है 45, तो ये 40 और 50 के दरमियान वाला नंबर क्या है, 45, तो ये आ गया 45। तो ये हमने नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 है -225, 440, -400, 100, -150, 120, 110। तो ये जो नंबर्स हैं इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे, फिर उस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। पार्ट 5, तो ये हमने नंबर्स लिख लिए, अब नंबर लाइन को ड्रा करेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -400, तो -400 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। -4, -300, -200, -100, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 500। तो सबसे पहला कौन सा नंबर है, -225। तो -200 और -300 के दरमियान हमने इसको पहले 10 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। -200 और -300 के दरमियान हमने 10 हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब ये हो गया -210, -220 और ये -230 है। -210 और -230 के दरमियान वाला जो नंबर है इसको कहेंगे -225। ठीक है, तो ये नंबर होगा -225। इसके बाद 440, तो ये 400 और 500 के दरमियान हमने 10 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। तो इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 400 और 500 के दरमियान। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 410, 420, 430, 440 है। तो ये होगा जो फोर्थ लाइन, ये होगी 440। ठीक है, इसके बाद -400,
तो ये आ जाएगा -400। इसके बाद 100, तो ये हो जाएगा 100। इसके बाद -150, तो ये हो जाएगा -150। -100 और -200 के दरमियान जो हाफ पार्ट होगा, जो ये दरमियान वाला, वो क्या होगा? -150, -150 ये आ गया। अब इसके बाद 120 और 110, 100 और 200 के दरमियान 10 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 120 ये आ गया, 1 और 2, दूसरी लाइन क्या आ गई? 120, और पहली लाइन 110 आ जाएगी, ये वाली 100 और 110। ठीक है, ये लाइन इधर को हमने लिख ली 110। ठीक है, तो ये हमने नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट सिक्स है -1100, 2100, -1500, -2500, 1600। तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पार्ट 6, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं। इधर लिखेंगे -3000, ये आ गया -2000, -1000, 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000। तो सबसे पहले ये कौन सा नंबर है? -1100। तो ये क्या है? -1000 और -2000। तो -1000 और -2000 को हमने 10 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ये जो पहला पार्ट होगा वो क्या होगा? -1100 होगा। तो इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये है ना -1100। इसके बाद 2100, ये 2000 है, ये 3000 है। तो 2000 और 3000 को पहले हम डिवाइड करेंगे 10 पार्ट्स में। तो ये जो पहला पार्ट होगा वो क्या होगा? 2100। तो ये जो है 2100 है पहला पार्ट जो है। इसके
इसके बाद माइनस 1500, ये है माइनस 1000 माइनस 2000, तो इनके दरमियान वाला क्या नंबर आएगा? माइनस 1500, ये जो है। इसके बाद माइनस 2500, माइनस 2000 और माइनस 3000 के दरमियान जो है, बिटवीन, ये वाला दरमियान वाला, ये है माइनस 2500। इसके बाद 1600, 1000 और 2000 के दरमियान हम पहले इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डिवाइड इट बाय 10 पार्ट्स, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, तो ये जो पहले 6 पार्ट होंगे ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला, ये क्या होगा? 1600, ठीक है। तो ये हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7, पार्ट 7 है माइनस 15.5, -20.7, 11.2, -10.5, -12.5। तो ये जो डेसिमल्स वाले नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पार्ट 7, तो ये माइनस वाले भी हैं और प्लस वाले भी नंबर्स हैं। तो सबसे पहले ये लिखेंगे -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे। तो ये है -15.5। तो -10 और -20 को हम 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो पहले कौन सा नंबर हमने रिप्रेजेंट करना है? -15.5। तो ये -10 और -20 के दरमियान हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये 10 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है 11, 12, 13, 14, 15, तो ये 15 जो है इसका नंबर होगा। 15 से अगला नंबर -15.5, 15 और 16 के दरमियान वाला जो नंबर होगा ना, दरमियान वाला, तो ये होगा -15.5, ठीक है। इसके बाद 20.7, तो 20 और 30 के दरमियान हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये 20 और 21 के दरमियान वाला जो नंबर होगा, उसको हमने 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो जो सातवां हिस्सा होगा वो क्या होगा? ये वाला नंबर, ठीक है। तो ये जो होगा नंबर इसका,
ये होगा 20.7। ठीक है, तो ये हमने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब है 11.2, तो ये 10 और ये 11, 11 और 12 के दरमियान इसको 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो जो दूसरा हिस्सा होगा वो क्या होगा, 11.2, तो ये होगा इसका 11.2। ठीक है, इसके बाद -10.5, तो ये होगा 10 और 11 के दरमियान वाला जो नंबर है, ठीक है, वो है -10.5। इसके बाद -12.5, तो ये होगा 11, 12 और 13 के दरमियान हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो ये जो दरमियान वाला नंबर होगा ये होगा -12.5। तो ये हमने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8, 0.5 -0.7 -0.1 0.3 0.9 -0.5। तो ये जो डेसिमल्स में नंबर दिए हुए हैं इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पार्ट नंबर 8, तो ये हमने नंबर्स लिख लिए। अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है, -0.7, तो यहाँ से लिखेंगे -0.7, -0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, ऐसे। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, इतना इतना। ज़ीरो डेसिमल फाइव, तो 0.5 ये नंबर है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद -0.7 ये वाला है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। -0.1 ये है, इसके बाद 0.3 ये,
जीरो डेसिमल नाइन ये आ गया। माइनस जीरो डेसिमल फाइव ये आ गया। तो ये सारे नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये पार्ट एट कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर वन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन लेस देन। तो ये जो नंबर दिए हुए हैं इनको हमने ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल से कंपेयर करना है। आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। तो पार्ट वन को सॉल्व करते हैं। पार्ट वन है 2,35,691, 2,35,090, 2,45,091, 2,45,192। तो इन नंबर्स को पहले लिख लेते हैं फिर इनको अरेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू पार्ट वन, 2,35,691 नंबर टू, 2,35,090, 2,45,091, 2,45,192। तो पहले लेस देन के सिंबल में अरेंज करेंगे फिर ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज करेंगे। अब ये देखें, ये दोनों नंबर बड़े हैं, ये दोनों नंबर छोटे हैं। 2,35,000 है, ये भी 2,35,000 है। अब इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? ये 2,35,691 है, ये 2,35,090 है। तो ये इनमें से छोटा नंबर है। तो ये आएगा 2,35,090, लेस देन है 2,35,691 से। अब इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? ये 2,45,091 है, ये 2,45,192 है। तो ये छोटा है, तो ये आएगा 2,45,091 लेस देन 2,45,192। ये सबसे छोटा नंबर 2,35,090, यहाँ पे ज़ीरो लिखना है, ठीक है। तो ये हमने इसको लेस देन के सिंबल में अरेंज कर दिया। अब ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज करेंगे। ग्रेटर देन में ये सबसे पहले नंबर, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। 2,45,192 ग्रेटर है 2,45,091, ये ग्रेटर है 2,35,691 से। ग्रेटर है 2,35,090 से, ठीक है। तो ये हमने लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज कर दिया। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये आएगा 2,35,090, फिर उसके बाद ये बड़ा नंबर है ना, उससे 2,35,691, फिर उसके बाद ये 2,45,091, फिर उसके बाद ये 2,45,192। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? ये सेकंड वाली तरतीब जो है ये लिखेंगे, फर्स्ट वाली तरतीब ये हमें लिख दी, सेकंड वाली तरतीब ये लिख देंगे। ये वाली 2,45,192, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है।
तो सबसे पहले बड़ा नंबर ये आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद ये 245,091, फिर उसके बाद ये 235,691, फिर उसके बाद ये 235,090। तो ये हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया। तो ये पार्ट वन कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर टू में ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट टू, 578,901, 579,803, 679,807, 679,817। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है ये देखें, ये 578,901 है, ये है 579,803, ये दोनों 6 लाख में हैं, तो ये दोनों 5 लाख में। तो 578,901 ये 579,803, तो इन दोनों में कौन सा छोटा है, ये है 78,000, तो इसको लिखेंगे 578,901 लेस देन, यानी कि छोटा है 579,803 से, 579,803। इसके बाद ये किससे छोटा है, अब इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा छोटा है। 679,807 यह है 679,817, ये 817 है, ये 807 है, तो इन दोनों में छोटा ये है 679,807। इसके बाद लेस देन 679,817, तो ये सबसे छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले 679,817 ग्रेटर देन, इसके बाद ये बोला 679,807 ग्रेटर है 579,803 ग्रेटर है 578,901, सॉरी ये गलत लिखा गया। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में ये हैं, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये पहली तरतीब जो है इसको लिखेंगे, ये वाले। फाइव लैख 78,901, इसके बाद 579,803, इसके बाद 679,807, उसके बाद 679,817। अब इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद सबसे छोटा। तो ये तरतीब आएगी 679,817, 679,807, 579,803, 578,901। तो ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो ये पार्ट टू
कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर थ्री, पार्ट नंबर थ्री में जो नंबर्स लिखे हुए इनको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट नंबर थ्री, 10,028 अब देखें ये जो नंबर्स हैं ये है 10,028 तो ये है 1,76,000 तो ये है 1,10,028 तो ये 1,10,027 तो इनमें देखें सबसे छोटा नंबर क्या है ये वाला है 10,000 ये है लेस देन इससे 1,76,000 इससे बड़ा कौन सा नंबर है ये है 1,10,027 इससे बड़ा ये है 1,10,028 ठीक है। तो ये नंबर्स को हमने लेस देन के सिंबल में अरेंज कर दिया। अब ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज करेंगे। सबसे पहले ये ग्रेटर देन, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये हमने इनको लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज कर दिया। अब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर वाली तरतीब लिखेंगे ये वाली, उसके बाद ये वाला नंबर, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सेकंड वाली तरतीब लिखनी है ठीक है। सबसे पहले बड़ा नंबर, उसके बाद ये उससे छोटा नंबर, उसके बाद ये, उसके बाद लास्ट वाला। तो ये हमने नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया। तो ये पार्ट थ्री कंप्लीट हो गया। पार्ट फोर, तो पार्ट फोर में हमने इसको लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज करना है और फिर इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ठीक है। तो पार्ट फोर को लिखते हैं। पार्ट फोर, क्वेश्चन नंबर टू, 5,62,399 5,62,390 5,72,381 तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको हम पहले तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको पहले लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज करते हैं। तो ये सबसे पहले देखें ये 5,62,000 है, ये भी 62,000 है, ये 72,72 तो ये दोनों छोटे नंबर हैं ना, तो इनमें देखते हैं कि कौन सा छोटा नंबर है। ये 5,62,389 ये 5,62,399 तो ये 389 है तो ये 399 है तो इन दोनों में ये छोटा नंबर है तो इसको पहले लिखेंगे 5,62,389 लेस देन यानी कि छोटा है 5 लाख
62,399 से। अब इनमें देखें कौन सा छोटा है, 5,72,390, 5,72,381, तो इन दोनों में 381 छोटा है। 5,72,381 लेस देन 5,72,390, ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। अब सबसे पहले ये लिखेंगे 5,72,390, ग्रेटर देन है इससे 5,72,381, ग्रेटर है 5,62,399, ग्रेटर है 5,62,389। तो ये हमने नंबर्स को लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज कर दिया। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर वाली तरतीब को लिखेंगे 5,62,389, फिर ये 5,62,399, उसके बाद ये 5,72,381, उसके बाद ये 5,72,390। तो ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये दूसरी तरतीब जो है इसको लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। 5,72,390, 5,72,381, 5,62,399, 5,62,389। तो ये हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन लेस देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये भी क्वेश्चन 2 की तरह का है, इसको भी हमने ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल में अरेंज करना है, फिर इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, पार्ट 1 है -8,395, -8,496, -8,491, -8,394। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1, नंबर्स को लिखते हैं -8,395, -8,496, -8,491, -8,394। ठीक है, तो ये हमने नंबर्स को लिख लिया। अब लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में इसको कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इनके साथ माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, जब साथ माइनस लिखा हो तो जो नंबर सबसे बड़ा होता है वही, अगर उसके साथ माइनस लिखा हो तो वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, जैसे ये आप देख लें, ये है ना नंबर लाइन 0, इधर 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4। अब देखें ये -4 छोटा है या -3 छोटा है, इसमें -4 छोटा है -3 से। ये देखें -4 है, ये 2 है,
इनमें छोटा नंबर कौन सा है? ये माइनस फोर छोटा नंबर है क्योंकि इसके साथ माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बड़े नंबर के साथ माइनस लिखा हो तो वो क्या होता है? छोटा होता है। अब ये देखिए, वन और माइनस टू, इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? माइनस टू छोटा नंबर है क्योंकि इसके साथ माइनस लिखी हुई है, ठीक है। ज़ीरो और माइनस वन के दरमियान, माइनस वन छोटा है, ज़ीरो बड़ा है, ठीक है। तो ये आपको समझ लग चुकी होगी। तो अब हम इसको तरतीब देते हैं। ये देखें, 8395, 8496, 8491, 8394, ये 395, 394। तो ये तो दोनों नंबर छोटे हैं ना, 496, 491, 496 बड़ा है सबसे, तो इसके साथ चूँकि माइनस लिखी हुई है तो ये सबसे छोटा नंबर होगा। तो ये लिखेंगे माइनस 8496 लेस देन, अब इससे बड़ा कौन सा है? ये है माइनस 8491, इससे बड़ा नंबर। ये देखे, माइनस 8395 है, ये माइनस 8394 है, तो ये दोनों में छोटा नंबर होगा, ये वाला माइनस 8395। इसके बाद ये माइनस 8394, पहले इसको लिखेंगे माइनस 8394 ग्रेटर देन है माइनस 8395 से, ये ग्रेटर है माइनस 8491 से, ये ग्रेटर है माइनस 8496 से। तो ये हमने नंबर्स को ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल में अरेंज कर दिया। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर, तो ये ऊपर वाली तरतीब माइनस 8496, फिर इसके बाद माइनस 8491, फिर उसके बाद माइनस 8395, फिर उसके बाद माइनस 8394। तो ये सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वाली तरतीब हमने लिखनी है। सबसे पहले बड़ा नंबर माइनस 8394, फिर उसके बाद माइनस 8395, माइनस 8491, माइनस 8496। तो ये हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया। तो ये पार्ट वन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, पार्ट नंबर टू। तो पार्ट नंबर टू है 503, 530, 556, माइनस 563, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, पार्ट नंबर टू। फाइव हंड्रेड थ्री, 530, 556, माइनस 563। अब ये देखें, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? माइनस वाला सबसे छोटा नंबर होता है क्योंकि बाकी सारे प्लस वाले हैं ना, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये माइनस वाला है, तो ये सबसे छोटा होगा। तो इसको पहले लिखेंगे माइनस 563 लेस देन है। अब देखें, 556, 530, 503,
इन तीनों में छोटा कौन सा है? 503। लेस देन है 530, 556। इनमें छोटा कौन सा है? 530। इससे बड़ा कौन सा है? 556। तो ये हमने इसको लेस देन की तरतीब में अरेंज कर दी है, यानी कि -563 लेस देन है 503 से, 503 लेस देन है 530 से, 530 लेस देन है 556 से। तो इसको ऐसे लिखेंगे 556 ग्रेटर है 530 से, 530 ग्रेटर है 503 से, 503 ग्रेटर है -563 से। तो इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ऊपर वाली तरतीब। तो ये है -563, उसके बाद 503, 530, 556। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब आ गई। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये सबसे बड़ा नंबर ये है ना, 556। उसके बाद 530 छोटा है, फिर उसके बाद 503 है, फिर उसके बाद -563। तो ये हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया। तो ये पार्ट टू कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, पार्ट नंबर थ्री, पार्ट थ्री है -137, -138, -1886, 1308। तो इन नंबर्स को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, पार्ट नंबर थ्री, -137, -138, -1886, 1308। तो ये हमने इनको लिख लिया। अब देखें, ये तीन माइनस वाले हैं, ठीक है? माइनस वाले छोटे होते हैं, ठीक है? ये पॉजिटिव है ना, प्लस वाला, प्लस वाला बड़ा होता है। तो ये देखें, 1886 के साथ माइनस है, तो ये वैसे दिखने में बड़ा है क्योंकि इसके साथ माइनस लिखा है, तो इसलिए ये सबसे छोटा है। तो इसको पहले लिखेंगे -1886, तो ये सबसे छोटा नंबर है। अब देखें, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 138, चूँकि इसके साथ माइनस है तो ये इससे छोटा है, 137 से छोटा है ये। तो ये लिखेंगे लेस देन, ठीक है? -138 लेस देन है -137, लेस देन है 1308। अब ये हमने लेस देन के सिंबल में अरेंज किया है, अब ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज करेंगे। सबसे पहले ये है 1308 ग्रेटर है -137, ग्रेटर है -138, ग्रेटर है -1886। तो ये हमने लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज कर दिया। अब हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये पहली तरतीब लिखेंगे -1886, फिर -138, फिर -137, फिर 1308।
आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये बड़ा नंबर आएगा वन, सेकंड वाली तरतीब जो है 1308, फिर -137, फिर -138, फिर -1886। तो ये हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो ये पार्ट थ्री कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, पार्ट नंबर फोर, -87,650 -78,432 -78,402 78,401। तो इन नंबर्स को अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, पार्ट नंबर फोर, नंबर्स को लिख लेंगे। -87,650 -78,432 -78,402 78,401। तो ये प्लस वाला नंबर है, ये माइनस वाले नंबर हैं, ठीक है। माइनस वाला नंबर जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। ये देखें 87,650 है, ये 78,000 है, ये 78 है, ये बड़ा है ना 87,000, क्योंकि इसके साथ माइनस लिखा हुआ है, तो ये सबसे छोटा होगा। तो ये लिखेंगे -87,650 लेस देन है। अब ये देखें इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 78,432 78,402, इनमें से बड़ा नंबर क्या है, 432। तो ये पहले आएगा माइनस, क्योंकि ये बड़ा है तो इसके साथ माइनस है, तो ये छोटा होगा इससे। तो ये लिखेंगे -78,432 लेस देन है -78,402। इसके बाद 78,401, क्योंकि ये प्लस वाला है तो ये सबसे बड़ा होगा। अब इसको लिखेंगे, ये हमने लेस देन के सिंबल में अरेंज किया, अब ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज करेंगे। पहले ये लिखेंगे 78,401 ग्रेटर है -78,402 ग्रेटर है -78,432 ग्रेटर है -87,650, ठीक है। तो ये हमने इसको लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज किया है। अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये ऊपर वाली तरतीब आएगी, -87,650 -78,432 -78,402 78,401। अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये सेकंड वाली तरतीब आएगी, इसको फिर इसको, फिर ये लास्ट। तो ये हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया। तो ये पार्ट फोर कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थ्री भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन लेस देन।
तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल से कंपेयर करना है। आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करें। तो पार्ट वन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट वन। ट्वेंटी एट डेसिमल थ्री फाइव सिक्स, ट्वेंटी एट डेसिमल थ्री फोर थ्री, ट्वेंटी एट डेसिमल थ्री फाइव सेवन, ट्वेंटी एट डेसिमल फाइव थ्री टू। तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में कंपेयर करना है। ये देखें अट्ठाईस 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 अट्ठाईस, ये तो चारों सेम हैं। अब इनमें से देखना है कि इनमें से छोटा नंबर कौन सा है। ये थ्री 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 फाइव, तो ये थ्री थ्री, तो ये तीनों छोटे हैं ना फाइव से। तो अब ये देखें फाइव फोर फाइव, अब फाइव है ये भी फाइव है, ये फोर छोटा है, तो ये सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो ये लिखेंगे अट्ठाईस डेसिमल थ्री फोर थ्री, लेस देन है। अब ये देखें ये नंबर्स हमने अरेंज किया है ना, अब ये और ये रह गया था ना अट्ठाईस डेसिमल थ्री फाइव सिक्स, अट्ठाईस डेसिमल थ्री फाइव सेवन, ये थ्री फाइव थ्री फाइव, ये सिक्स ये सेवन, ये सिक्स छोटा है ना, तो ये आ गया अट्ठाईस डेसिमल थ्री फाइव सिक्स। इसके बाद ये अट्ठाईस डेसिमल थ्री फाइव सेवन, इसके बाद ये आ गया अट्ठाईस डेसिमल फाइव थ्री टू। तो ये है, हमने इसको लेस देन के सिंबल में अरेंज कर दिया। अब ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज करेंगे। पहले ये आएगा ग्रेटर देन है, इससे ग्रेटर देन है, इससे ग्रेटर देन इससे। तो ये हमने लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज कर दिया। आप इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देंगे। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर वाली तरतीब लिखेंगे, ये वाली जो है। ठीक है, फिर ये वाला नंबर, फिर ये, फिर ये, डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे वाली तरतीब। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब आएगी, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया। तो ये पार्ट वन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट नंबर टू। तो पार्ट टू को लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट टू। एक सौ बीस डेसिमल ज़ीरो एट, एक सौ तीस डेसिमल ज़ीरो एट, एक सौ बीस डेसिमल एट ज़ीरो,
120.01। अब ये देखें 120, 120, 120, तो ये 130 है, तो इन चारों में ये बड़ा है ना। अब 120, 120, 120, ये तीनों बराबर हैं। अब इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये देखें, ये 0, ये 8, ये 0, ये 0, ये 0 इक्वल हैं, ये 8 इनमें बड़ा है ना। तो अब देख लेते हैं, इनका 8 है और ये 1 है, तो ये 8 और 1 में छोटा कौन सा है, 1, तो ये सबसे फिर छोटा नंबर होगा। ठीक है, 120.01 लेस देन है 120.08 से। अब ये लेस देन है 120.80 से, ये लेस देन है 130.08। अब ये हमने लेस देन के सिंबल में अरेंज कर दिया, तो ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको पहले लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, तो ये ग्रेटर देन के सिंबल में आ जाएगा। 130.08 ग्रेटर है 120.80 से, ग्रेटर है 120.08 से, ग्रेटर 120.01। ठीक है, तो ये लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में हमने अरेंज कर दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, ये वाला है ना, क्योंकि सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सेकंड वाली तरतीब लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये 120.01। तो ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, तो ये हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया। तो ये पार्ट टू कंप्लीट हो गया। पार्ट थ्री, पार्ट थ्री है 131.01, 131.08, 103.78, 113.08। तो इसको लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, पार्ट नंबर थ्री, 131.01, 131.08, 103.78, 113.08। अब देखें, हमने लेस देन के सिंबल में अरेंज करना है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा। सबसे छोटा नंबर क्या है, 103, क्योंकि ये 113 है, ये 131 है, ये भी 131 है, तो 103 सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, 103.78 लेस देन है 113.08, ये लेस देन है। अब 131, 131, तो ये दोनों क्या हैं, सेम, डेसिमल डेसिमल, 0, 0, 1, 8, तो 1 छोटा है ना,
8 से, तो ये नंबर छोटा होगा इससे, तो ये लिखेंगे 131.01 लेस देन 131.08। तो ये हमने इसको लेस देन के सिंबल में अरेंज कर दिया, तो ये सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। अब इसको लिखेंगे 131.08 ग्रेटर है 131.01 ग्रेटर 113.08 ग्रेटर 103.78। ठीक है, तो ये हमने इसको लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज कर दिया। अब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ऊपर वाली तरतीब, ठीक है, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा 103.78, फिर ये नंबर 113.08, फिर 131.01, फिर ये 131.08। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वाली तरतीब लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर। तो ये हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया, तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है 236.089, 236.219, 236.217, 236.207। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है 236.089, 236.219, 236.217, 236.207। अब ये देखें 236, ये बराबर हैं। अब इनमें देखें डेसिमल के बाद ये 0, 2, 2, 2, तो ये 0 है, तो ये सबसे छोटा है ना, 0, 2 है ना, 2, 2, तो ये 0 छोटा है, तो ये सबसे छोटा नंबर होगा, तो लेस देन में क्या आएगा 236.089, तो ये सबसे छोटा नंबर है। अब ये 2, 2, 2 बराबर हैं। अब दूसरा नंबर देखें 1, 1, 0, तो ये 1, 1 दोनों हैं, तो ये 0 है, तो ये 0 छोटा है, तो ये इससे छोटा, इन दोनों से छोटा ये है 236.207 लेस देन। अब ये 1, 1 बराबर हैं 9, 7, तो 9 और 7 में छोटा कौन सा है, 7, तो ये इनमें से छोटा नंबर है 236.217 लेस है 236.219। तो ये हमने इनको लेस देन के सिंबल में अरेंज कर दिए। अब ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले ये आएगा नंबर 236.219। अब ये आएगा ग्रेटर देन 236.217, ग्रेटर है 236.207 से, ग्रेटर 236.089। ठीक है, तो ये हमने लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज कर दिया। आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर,
असेंडिंग ऑर्डर ऊपर वाली तरतीब, तो ये आ गई 236.089। इसके बाद ये 236.207, इसके बाद 236.217, इसके बाद 236.219 डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, तो ये सेकंड वाली तरतीब आएंगी 236.219, 236.217, 236.207, 236.089। तो ये हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया। तो ये पार्ट फोर कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फोर भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।